सम्मानिए भैया बाबूलाल जी, गीत को सुनिएगा। परेशानी वाली बात नहीं है ना। आपने सुना हो चाहे ना सुना हो, लेकिन हमारे मनोज ने जरूर सुना है। समझते रहिए समझदार लोग। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं चौरसिया जी ने कर दी है बिल्कुल। लेकिन भाई साहब गाने को सुनिए आप। फिल्म वाले कह रहे तू कब आएगा बता सजना मेरे। अब देखिए इसी सजना को मैंने अपने गाने में कैसे सजाया है, ध्यान दीजिएगा भैया। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे महादेव। स्वामी स्वामी मैंने एक खास बात देखी है और मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। क्या बेटे? कहा क्या? क्या स्वरों से शिव देवताओं से सजे।
रूप में। और जब शब्द रूप में भोलेनाथ अवतरित हुए तो सारे देवी देवता मिलके उनको सजाने लगे। कैसे सजाने लगे? कैसे? फूलों से, मणियों मोतियों से नहीं, अक्षरों से सजा रहे हैं। कोई स्वरों से सजा रहा, कोई व्यंजनों से सजा रहा, कोई ऋचाओं से सजा रहा है। लेकिन लेकिन स्वरों से, व्यंजनों से, ऋचाओं से सजे शब्द रूप में शिव देवताओं से सजे। अक्षरों से शिव श्रृंगार साकार है, अरे फिर भी अधूरा शिव का श्रृंगार है। तमाम देवी देवताओं ने उनको सजा दिया, लेकिन फिर भी अभी अधूरा लग रहा है भोलेनाथ का श्रृंगार। तो माता पार्वती बोली, क्या? अरे सोचे ये शिवानी वरदानी कैसी लीला रचे आरचे। कैसे? कैसे? अरे घुंघरू पायल के पाए बजना मेरे, देवों से भी सजना पाए सजना मेरे। वाह, प्रयास तो बहुत किया लेकिन नहीं सज पाए। सजना पे विशेष ध्यान, और क्या ऐसे छोड़ी। इसीलिए कहा क्या के घुंघरू पायल के पाए बजना मेरे, तो देवों से भी सजना पाए सजना। अब देवताओं से तो नहीं सज पाए, अब माता पार्वती ने एक बात और कही। क्या? देवताओं ने सजाया नहीं सजे, इसके बाद तो सर्पों से शंभू को सजाती रही मैं, दुनिया भर के सर्पों को लाती रही मैं। मैंने भी अपने स्वामी को सजाने के लिए बहुत प्रयास किया। बिल्कुल, दुनिया भर के सर्प बुलाए, किसी को करधनी बना दिया, किसी को हार बना दिया, किसी को कान के बाला बना दिए, लेकिन फिर भी बोले नाथ नहीं सज पाए। कैसे? कैसे? बेल कहा गया, बेल पत्र फूल फल और गंगा जल, भांग धतूरा के संग चढ़ता चावल। अब तमाम सर्पों के आभूषण तो मैया ने बना दिए, लेकिन मैया ने देखा क्या? तो सुनी है कलाई ये विशेष शेष ही अब है बचे, अभी शेषनाग बचे हुए हैं। शेषनाग जी को मैया ने बुलाया और माता ने शेषनाग को इतनी जोर से पकड़ के दबाया कि शेषनाग की आंखों से दो बूंद आंसू आ गए, और उन्हीं से सुलोचना और सुनैना का जन्म भी हो गया। लेकिन मेरी लाइन कह रही है, क्या? तो छूटे छूटे स्वामी के पद पंकज ना मेरे, अरे झूठे स्वामी के पद पंकज ना मेरे। बाबूलाल भैया, अभी देवों से नहीं सज पाए और अब मैया ने क्या कहा? तो झूठे स्वामी के पद पंकज ना मेरे, तो मुझसे भी सजना पाए सजना मेरे। मुझसे भी नहीं सज पाए, मुझसे भी नहीं सज पाए। और समय को देखते हुए एक अंतिम बात जोड़ रही हूं, सुने। सुनिए, अब माता पार्वती सोचने लगी, क्या
देवों से नहीं सज पाए, मुझसे नहीं सज पाए। आखिरी बात सुनिए दादा, माता पार्वती से एक बार भोलेनाथ कहने लगे, देवी देवी ये बताओ तुम रोज रोज कहाँ जाती हो? कहाँ जाती है बताओ। माता ने कहा जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ केवल नारियाँ जाती हैं, पुरुष नहीं जाते हैं। ओ, इसी कौन सी जगह बेटे? और का वहाँ केवल महिलाएं जाती हैं, पुरुष नहीं जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा कुछ भी हो लेकिन हम तो जाएंगे। मैया ने कहा अगर जाओगे तो फिर तुमको भी नारी बनना पड़ेगा। शंकर जी बोले हम नारी बनने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जाएंगे जरूर। बिल्कुल। अब माता ने कहा ठीक है अगर नहीं मानते हो तो चलो चलो आओ का उठो उठो पहनो लहंगा चुन्नी आओ का गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलाइए पहनो लहंगा चुन्नी। माता ने कहा स्वामी मैं मानती हूँ कि आप नारी बन जाओगे, नारी बन के मेरे साथ चल दोगे, लेकिन एक समस्या है। क्या? तो गंगाधर गंगा को छुपाओगे कहाँ, अरे बिच्छू ब्याल सर्पों को बहाओगे कहाँ। मैया ने कहा ठीक है मैं मानती हूँ कि आप नारी बन जाओगे, लेकिन तब भी समस्या है क्या? कि साड़ी पहन कर बने आप नारी। महाराज, अरे साड़ी पहन कर बने आप नारी, लेकिन समस्या क्या है? क्या? स्वामी ये मर्दानी चाल बदलो भोला भंडारी। काली साड़ी पहनने से कुछ नहीं होगा ना, बड़े ना। ये पहलवानों वाली चाल कैसे छुपाओगे? इसका भी तो कोई इंतजाम करो। ये इस चाल में तो पकड़ लिए जाओगे। और जैसे ही रासलीला में भोलेनाथ गए, कन्हैया ने देखा क्या सारी गोपियां तो घूंघट खोल के नाच रही हैं, ये बड़ी स्पेशल गोपी आई है बड़ी देर से घूंघट डाल के नाच रही है। कन्हैया लाल उठे और जो ही भोलेनाथ का हाथ पकड़ा उनका घूंघट उठाया तो जिनको वो गोपी समझ रहे थे वो गोपा निकल आए। और वही भोलेनाथ का नामकरण हो गया गोपेश्वर। तो पंक्ति कह रही है क्या कि मर्दानी चाल बदलो भोला भंडारी। तो देखा बनवारी को तो त्रपुरारी झूम के है नचे। बाबूलाल भैया, तो राखी मुझको स्वामी पाए तजना मेरे। राखी मुझको स्वामी पाए तजना मेरे। और अब अपने आप भी सजना पाए सजना मेरे। बाबड़े क्या बात, देवों से भी नहीं सज पाए, मुझसे भी नहीं सज पाए, और अब अपने आप भी नहीं सज पाए। राखी मुझको स्वामी पाए तजना मेरे। अपने आप भी सजना पाए सजना 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 मेरे। बोलिए शंकर।
कामना है। आइएगा एक और आपकी लाइन बोल रही है कि देवों से भी सजना पाए सजना मेरे। देवों से भी सजना पाए सजना मेरे। ये कम हो गया। हेलो 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 माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा क्या डॉक्टर साहब इधर लाइन बोल रही है कि देवों से भी सजना पाए सजना मेरे, यानी भोलेनाथ का श्रृंगार हो नहीं पा रहा है, लेकिन माता पार्वती ने जब भगवान भोलेनाथ से कह दिया कि प्रभु हमारा और आपका विवाह नहीं हो सकता है, हमारा आपका ब्याह हो ही नहीं सकता है, कहा क्यों, कारण क्या है, परेशानी क्या है, तो देखिए माता पार्वती ने कहा सुनिए, चंदा है yeah!
चंदा है माथे पर सर पे गंगा है। और गले लपेटे स्वामी वो काल भुजंगा है। माथे पर चंदा है सर पर गंगा है गले में भुजंगा लपेटे हो। और कितना बताऊं बिच्छू ततैया ना जाने क्या क्या ये श्रृंगार है। कहा माता पार्वती ने अरे अंग अंग आपने अंग अंग जीव जंतु लिए धारो है। और अटपट तुम्हारा अरे अटपट तुम्हारा स्वामी श्रृंगार है। भोलेनाथ कहने लगे तुम्हें परेशानी क्या है पार्वती। कहा परेशानी ब्याह इसलिए नहीं हो सकता है, सुनो जो आपके तन पर है बहन राखी जी ये अंगना आपके अंगना सो है अंगना मेरे। क्या बात, एक एक शब्द को सुनिएगा। आशीर्वाद है दादा। अंगना सो है अंगना मेरे और सजना छोड़ो तब बन पाओ सजना मेरे। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। हेलो हेलो हेलो। हमारे आदरणीय पंडित जी महाराज श्री अमित चतुर्वेदी जी आपकी ओर से आशीर्वाद आया है कि अंग ना सोहे ये अंग ना मेरे। प्रभु हमारा आपका विवाह तभी होगा जब ये सब मामला खत्म हो। क्या बात, आशीर्वाद चाहता हूं आदरणीय महाराज जी का कि अंग ना सोहे ये अंग ना मेरे और सजना त्यागो। क्या बात, सजना त्यागो तब बन पाओ सजना मेरे। ये के सजना छोड़ो तब बन पाओ सजना मेरे। सजना छोड़ो तब बन पाओ सजना मेरे। सजना छोड़ो तब बन पाओ सजना मेरे। ये हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब श्री चंदन सिंह डॉक्टर साहब आपकी ओर से 51 मुद्राएं। हमारे ढोलक वादक भाई मनोज भैया मनोज राजपूत जी, राशि तो ये कही है ना। आपकी ओर से ये आशीर्वाद आया है, हम आदरणीय डॉक्टर साहब का आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सजना त्यागो तब बन पाओ सजना मेरे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे पार्वती ऐसा कैसे हो सकता है। अरे जो मेरा श्रृंगार है जो सदा मैं अपने साथ रखता हूं भला इन्हें कैसे त्याग सकता हूं। कहा प्रभु विचार करिए अपने हो नहीं सकते।
अगर ये श्रृंगार आप खो नहीं सकते तो सात फेरे साथ मेरे हो नहीं सकते, क्योंकि ब्याह केवल आपका हमारा है स्वामी, ब्याह केवल आपका हमारा है स्वामी, और साथ इन सभी के ना गवारा है स्वामी। केवल ब्याह तो हमारा आपका है, साथ इन सभी के ना गवारा है स्वामी, इसलिए भाव या स्वामी जी भाव पड़े इनकी संग ना मेरे। ये हो, क्या बात है, बहुत भावर होगी केवल आपके साथ में, भाव पड़ेगी इनकी संग ना मेरे। सजना त्यागो तब बन पाओ सजना मेरे, सजना त्यागो तब बन पाओ